दोस्तों आप सभी का स्वागत है जॉब्स एंड लर्निंग के वीकली जीके एंड करंट अफेयर्स क्विज में। दोस्तों लास्ट एपिसोड के अंत में हमने आपसे पूछा था एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना था। प्रश्न ये था, द 13th एडिशन ऑफ ICC ODI मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अक्टूबर नवम्बर 2023। यानी कि ICC मेंस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण किस देश में नवम्बर दिसंबर 2023 में खेला जाएगा। और इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताया था मिस्टर उदय कुमार ने, जिसका सही जवाब है दोस्तों इंडिया, यानी कि अगले ही वर्ष भारत में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के सवालों का सिलसिला। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, शेर बहादुर देवबा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द कंसेक्यूटिव 7th टाइम। यानी कि शेर बहादुर देवबा लगातार 7वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल एंड डी भूटान। शेर बहादुर देवबा लगातार 7वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों सी नेपाल। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच कंट्री बिकम द बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी रशिया एंड डी यूक्रेन। और दोस्तों इसका सही जवाब है सी रशिया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हु वाज अवार्डेड एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 अवार्ड इन लंदन। यानी कि लंदन में एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए गौतम अडानी, बी फाल्गुनी नायर, सी प्रशांत वाघ एंड डी बैजू रविंद्रन। और दोस्तों इसका सही जवाब है सी प्रशांत वाघ। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए हिमा दास, बी पीटी उषा, सी अभिनव बिंद्रा एंड डी शाइनी अब्राहम। और दोस्तों इसका सही जवाब है बी पीटी उषा। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been chosen for Major Dhyan Chand Khel Ratna Award for 2022? Major Dhyan Chand Khel Ratna Puraskar 2022 के लिए किसे चुना गया है। और आपके ऑप्शन हैं ए शरद कमल, अचंता साथियान ज्ञानशेखरन, सीमा पुनिया एंड डी लक्ष्य सेन। और दोस्तों इसका सही जवाब है ए शरद कमल अचंता। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी हैज एक्वायर्ड बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने निम्नलिखित में से किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है ए बिस्लेरी, बी किनले, सी पतंजलि दिव्या जल एंड डी एक्वाफिना। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने निम्नलिखित में से किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया है। और इसका सही जवाब है दोस्तों ए बिस्लेरी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हु गेट द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है। आपके ऑप्शन है अक्किनेनी नागार्जुन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और चिरंजीवी। इसका सही जवाब है दोस्तों डी चिरंजीवी।
एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए लंदन, बी टोक्यो, सी मॉस्को या फिर डी जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और दोस्तों इसका सही जवाब है डी जेनेवा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ विच कंट्री, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान एंड डी पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है दोस्तों डी पाकिस्तान। और बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी अप टू 30 अप्रैल 2024, यानी कि विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन से ए किशोर कुमार बासा, बी संजीव चोपड़ा, सी शंकरा सुब्रमण्यम या फिर डी विनय मोहन क्वात्रा। और इसका सही जवाब है दोस्तों डी विनय मोहन क्वात्रा। और अब समय है दोस्तों आपसे एक सीधा प्रश्न करने का, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। प्रश्न ये है, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू स्कोर ओवर 500 रन्स ऑन डे वन ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट मैच, यानी कि कौन सा देश किसी टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले ही दिन 500 रन स्कोर करने वाला पहला देश बन गया है? दोस्तों आपको अगर इसका जवाब पता है तो आप हमें फटाफट कमेंट करें, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके नाम का अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीकली जीके करंट अफेयर्स एंड जीके क्विज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइज़।